दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के मित्रीगम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान घायल हो गया। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के मित्रीगम इलाके में बुधवार को जारी मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के संवाददाता फिरदौस अहमद को बताया कि फायरिंग के दौरान सेना के एक जवान को मामूली चोट लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने एक विशिष्ट इनपुट पर घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने लक्ष्य स्थल की ओर तलाशी तेज की, छिपे हुए आतंकवादियों ने संयुक्त बलों पर गोलीबारी की, जिससे मुठभेड़ शुरू हुई। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। फौज और पुलिस को इतला मिली थी कि जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के छोटे गांव में मातरंगम वहां पर मिलिटेंटों की छुपे होने की खबर मौसूल हुई, तो फौज ने तुरंत ही तलाशी अभियान और कार्डन किया, जहां पर जो मिलिटेंट है, छुपे हुए थे मिलिटेंट, उन्होंने फौज पे फायरिंग की। उस फायरिंग में अभी तक जो बताया जा रहा है कि एक जवान जख्मी हुआ है, जबकि इस वक्त जो है मुठभेड़ चल रही है। तो फौज इस वक्त जो लगी है कि किसी जो सिविलियन है, कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, ऑपरेशन अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाए। तो मिलिटेंट इस वक्त बेतहाशा गोलियां चला रहे हैं, देखेंगे कि कब तक ये ऑपरेशन खत्म होगा। प्रातः दर्पण की न्यूज़ के लिए मैं फिरदौस तांत्रे, जम्मू कश्मीर, पुलवामा।